Assalamu alaikum, my name is Bisma Faiz and I am here to teach you computer sciences, unit number 3, more or on Windows XP. A logo is a simple computer language. We can perform various functions like drawing, typing, text and performing calculations using logo. लोगो एक सिंपल कंप्यूटर लैंग्वेज है और हम इस लैंग्वेज के थ्रू डिफरेंट फंक्शंस ऑपरेट कर सकते हैं, लाइक हम ड्राइंग कर सकते हैं, टेक्स्टिंग कर सकते हैं और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर सकते हैं लोगो यूज़ करके. स्टार्टिंग MSW लोगो, हम लोगो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? द स्टेप्स टू ओपन MSW लोगो आर क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन एंड चूज प्रोग्राम्स ऑल प्रोग्राम्स. Select and click on Microsoft Windows logo. हम टास्क बार में स्टार्ट बटन में जाएंगे, उसके बाद हम प्रोग्राम्स या ऑल प्रोग्राम्स को सिलेक्ट करेंगे. उसके बाद हमें एक Microsoft Windows logo नज़र आएगा, उसको हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास Microsoft Windows logo खुल जाएगा. This will be like this. This bar जहाँ हमें MSW logo screen लिखा हुआ है is called as a title bar. The bar beneath the title bar जहाँ हमें file, bitmap, set, zoom, help लिखा हुआ है is called as a menu bar. This is called as a turtle's playground. This is a recall list box and this is the input box जहाँ हम अपने input देंगे. This will be called as a commander window and this will be called as commander box. In the previous classes we have learned about different primitives used to draw simple figures using MSW logo language. Here is a table showing some basic primitives in logo. लास्ट क्लास में भी हमने डिफरेंट प्रिमिटिव्स पढ़े थे जो कि हमें ड्राइंग में हेल्प करते थे. नाउ हेयर आर सम अदर लोगो प्रिमिटिव्स. फॉरवर्ड शॉर्ट फॉर्म यूज्ड इन लोगो लैंग्वेज इज FD फंक्शन. द टर्टल मूव्स फॉरवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स हेड. जब हम FD प्रिमिटिव यूज़ करते हैं जो टर्टल है वो हेड की तरफ मूव करता है बैकवर्ड BK. द टर्टल मूव्स बैकवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स टेल विदाउट टर्निंग इट्स हेड. जो टर्टल है वो टेल की तरफ मूव करता है अपना हेड टर्न करने के बगैर. क्लियर स्क्रीन CS. The turtle erases all the lines from the screen to clear. जो turtle है वो screen को clear कर देता है totally. Home, HOME. This command brings the turtle back to its home. That is, in the center of the screen, the turtle draws a line from its last position to its home. इस कमांड के थ्रू जो टर्टल है वो वापस अपने होम में आ जाता है. अगर फॉर एग्जांपल अगर वो स्क्रीन के सेंटर में है तो जो टर्टल है वो एक लाइन ड्रॉ करता है फ्रॉम द लास्ट पोजीशन ऑफ इट्स होम. हाई टर्टल HT. हाई टर्टल के लिए HT यूज होगा. इट मेक्स द टर्टल डिसअपीयर फ्रॉम द स्क्रीन. इट इज़ यूज टू टेक अ क्लियर व्यू ऑफ अ ड्रॉइंग ऑन द स्क्रीन. हाई टर्टल के लिए हम HT प्रिमिटिव यूज़ करेंगे. इससे जो टर्टल है वो बिल्कुल डिसअपेयर हो जाएगा स्क्रीन से और ये हमें एक क्लियर व्यू जो है ड्राइंग का यूज़ करने के लिए हाई टर्टल यूज़ करते हैं. शो टर्टल ST. इट ब्रिंग्स द डिसअपेयर टर्टल बैक ऑन द स्क्रीन. जो हमने टर्टल हाई टर्टल के थ्रू डिसअपेयर किया होता है वो हम शो टर्टल ST यूज़ करके वो हम स्क्रीन पे वापस ले आते हैं. क्लियर टेक्स्ट CT. इट अरेजेज ऑल द कमांड्स सेव्ड इन द रिकॉल लिस्ट बॉक्स विदाउट अफेक्टिंग द ड्राइंग. CT प्रिमिटिव यूज करके हम सारे कमांड्स को अरेज कर देते हैं जो कि एक रिकॉल लिस्ट बॉक्स में होते हैं और इससे हमारी जो ड्राइंग है वो बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होती. राइट टर्न RT.
टर्टल मूव्स टू द राइट ऑफ इट्स हेड क्लॉकवाइज. जो टर्टल है वो क्लॉकवाइज राइट की तरफ मूव करेगा, राइट अपने हेड की तरफ मूव करेगा. लेफ्ट टर्न एल टी, जो एल टी प्रिमिटिव लोगो प्रिमिटिव है वो जो है वो अपने लेफ्ट की तरफ मूव करेगा हेड के, एंड इट विल बी द एंटी क्लॉकवाइज. अदर लोगो कमांड्स, लोगो हैज़ अ नंबर ऑफ अदर ड्राइंग कमांड्स इंक्लूडिंग दोज शो बिलो. लोगो के अदर और भी बहुत सारे कमांड्स हैं विच आर गिवन बिलो. पेन अप पी यू कमांड, पेन डाउन पी डी कमांड, पेन अरेज पी ई कमांड. दीज कमांड्स टेल द टर्टल टू लीव और नॉट टू लीव इट्स मार्क ऑन द स्क्रीन एज इट मूव्स. यूजिंग दीज कमांड्स वी कैन ड्रॉ फिगर्स इन वन गो और विद अ ब्रेक. पेन अप पी यू कमांड, वेन वी गिव दिस कमांड द टर्टल पिक्स इट पेन अप फ्रॉम द स्क्रीन. एज अ रिजल्ट इट डज नॉट ड्रॉ एनी लाइन ऑन द स्क्रीन. जब हम ये कमांड देते हैं तो टर्टल जो है वो अपना पेन बिल्कुल भी नहीं हिलाता स्क्रीन से, और नीदर वो कोई लाइन ड्रॉ करता है स्क्रीन में. हाउ एवर इट स्टिल मूव्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड अकॉर्डिंग टू द कमांड गिवन टू इट. लेकिन वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड इजीली मूव कर सकता है. दीज आर द कमांड पेन अप एंटर और पी यू एंटर. एग्जाम्पल इज दिस. पेन डाउन कमांड पी डी, द टर्टल पुट्स इट पेन डाउन वेन वी गिव दिस कमांड. नाउ द टर्टल ड्रॉज अ लाइन एज इट मूव्स ऑन द स्क्रीन फॉलोइंग द कमांड्स गिवन टू इट. इस कमांड में टर्टल अपना पेन रख देता है जब हम उसे कमांड देते हैं, और जो टर्टल है वो एक लाइन ड्रॉ करता है जब हम स्क्रीन पर उसे कमांड्स दे रहे होते हैं. कमांड पेन डाउन एंटर और पी डी एंटर. पेन अरेज कमांड पी ई, फॉलोइंग दिस कमांड द टर्टल पेन एक्ट्स लाइक अ अरेजर. इट रब्स ऑफ द ड्रॉइंग ओवर विच इट मूव्स. इस कमांड में जो टर्टल है वो एक इरेजर की तरह काम कर देता है और वो ड्राइंग को इरेज कर देता है जब वो मूव करता है. कमांड विल बी पेन अरेज एंटर और पीई एंटर. सेट पेन साइज, द कमांड सेट्स द थिकनेस ऑफ द पेन. इट इज नेसेसरी टू टाइप द नंबर ट्वाइस इन द कमांड विद स्पेस इन बिटवीन. पेन की थिकनेस को सेट करने के लिए यूज होता है, और इस कमांड में नंबर्स के बिटवीन स्पेस देना और नंबर्स को ट्वाइस लिखना बहुत ज़रूरी होता है. कमांड सेट पेन साइज ब्रैकेट 5 स्पेस 5 ब्रैकेट क्लोज. दीज आर द कलर कोड्स ऑफ द पेन विच विल बी यूज्ड बाय द टर्टल. सेट स्क्रीन कलर, The command sets the color of the drawing area in a specified color. We give the color code after the command. These are the color codes. हमें स्क्रीन पे जो भी कलर चाहिए होता है हम कोड देते हैं तो वो स्क्रीन में हमारा कलर आ जाता है. Set flood color and fill. We can use this command to color a drawing enclosed figure. Set flood color command sets the color to be filled, and fill command fills the drawing area only if the turtle is facing inside the drawing. ये वाला कमांड वर्क यूज होता है फॉर सपोज अगर हमने रेक्टेंगल और स्क्वेयर ड्राइंग की है तो उसके अंदर जो हमने फिल करना है तो हम कलर कोई भी फिल कर सकते हैं, एंड इट कैन ओनली बी पॉसिबल अगर ड्राइंग क्लोज्ड हो. To do this, we need to move the turtle inside the shape by using pen up, RT and FD commands. If these lines are not joined together, the whole screen gets filled with color. अगर ये lines join नहीं होगी तो पूरी screen colored हो जाएगी. Command, set flood color and fill. Bracket N is the color code. Drawing shapes in logo. We can draw various shapes in MSW logo like square, hexagon and circle. The angle at which the sides turn for each polygon is 360 over number of sides. हम लोगों के थ्रू डिफरेंट शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल दीज आर द शेप्स ऑक्टागॉन, ट्राइंगल, स्क्वेयर,
और इनकी साइड्स जो हैं वो इस तरह काउंट हो सकती हैं, बाय 360 ओवर नंबर ऑफ साइड्स। दीज आर द शेप्स विच कैन बी ड्रॉन इन ए लोगो, दीज आर द साइड्स यानी हम इतनी साइड्स रख सकते हैं, एंड दीज आर द एंगल्स एंड दीज आर द कमांड्स। दीज आर द कमांड्स टू यूज़ द ट्राइंगल शेप, दिस कमांड विल बी यूज टू ड्रॉ अ स्क्वेयर, दिस कमांड रिपीट 5 ब्रैकेट FD 50 RT 72 विल बी यूज टू ड्रॉ पेंटागॉन, रिपीट 6 FD 50 RT 60 इज यूज टू ड्रॉ हेक्सागॉन, रिपीट 7 FD 50 RT 51 विल बी यूज टू ड्रॉ सेप्टागॉन विद 7 साइड्स, रिपीट 8 FD 50 RT 45 विल बी यूज टू ड्रॉ ऑक्टागॉन, रिपीट 9 FD 50 RT 40 विल बी यूज टू ड्रॉ अ नोनागॉन, रिपीट 10 FD 50 RT 36 विल बी यूज टू ड्रॉ डेकाकॉन। फॉर एग्जाम्पल इन द फर्स्ट कमांड रिपीट 3, 3 विल बी द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, फॉरवर्ड 50 एंड राइट टर्न 120, मतलब 120 जो है वो एंगल यूज़ होगा तो हम ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं। सिमिलरली अदर ड्राइंग्स अदर शेप्स कैन बी डन लाइक दिस। द वैल्यू ऑफ FD कैन बी चेंज एज डिज़ायर्ड, टू ड्रॉ अ सर्कल वी हैव टू मेक अ टर्टल मूव 1 स्टेप फॉरवर्ड एंड 1 डिग्री टू द राइट 360 टाइम्स। कमांड रिपीट 360 FD 1 RT 1। सर्कल ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक टर्टल जो है उसको 1 स्टेप फॉरवर्ड करना पड़ेगा और 1 डिग्री टू द राइट 360 टाइम्स करना पड़ेगा ताकि हम एक प्रॉपर सर्कल ड्रॉ कर लें। टू ड्रॉ एन आर्क वी नीड टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ एन एंगल, अगर हमने सिर्फ आर्क ड्रॉ करनी है तो हमें एंगल के वैल्यू रिड्यूस करनी पड़ेगी। कमांड रिपीट 240, जहाँ हमने 360 पूरे सर्कल के लिए यूज़ किया था हमें आर्क के लिए 240 या इससे भी लेस यूज़ कर सकते हैं, ब्रैकेट FD 1 RT 1। वी हैव कंप्लीटेड यूनिट 3 मोर ऑन विंडोज XP। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डू द एक्सरसाइजेस एंड प्रैक्टिकल्स। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। Assalamu alaikum, my name is Bisma Faiz and today we are going to do the exercises of unit 3 more on Windows XP. Come to the page number 35, part A. Write the commands to draw each shape. These are the shapes और हमने इनके commands लिखने हैं कि हमें ये shape draw करने के लिए क्या commands use हो सकते हैं। We can also take help from page number 34. These are the commands and these are the shapes. For example, number 1 is triangle. We will write repeat 3 bracket FD 50 RT 120. Second is square shape. We will write repeat 4 bracket FD 50 RT 90. Third drawing is a pentagon. We will write repeat 5 bracket FD 50 RT 72 bracket close. Fourth drawing is hexagon. Hexagon with the 6 sides. Repeat 6 bracket FD 50 RT 60 bracket close. Fifth drawing is septagon. Repeat 7 bracket FD 50 RT 51 bracket close. Number 6 drawing is octagon, repeat 8 bracket FD 50 RT 45. 7 drawing is circle, we will use 360 degree for a circle.
रिपीट 360 ब्रैकेट FD1 RT1। नंबर ए ड्राइंग इज डेकागोन रिपीट 10 FD50 RT30। कमिंग टू द पार्ट बी टेक द करेक्ट ऑप्शन। नंबर वन इज डैश कमांड पिक्स अप द टर्टल पेन, PU कमांड, PE कमांड और PD कमांड। पेन अप PU कमांड पिक्स अप द टर्टल पेन। सेकेंड पॉइंट इज डैश मेक्स द टर्टल पेन एक्ट एज एन इरेजर, PD, PU, PE। द आंसर इज पेन अरेज कमांड, PE कमांड मेक्स द टर्टल पेन एक्ट्स एज एन अरेजर। नंबर थ्री, टू चेंज द पेन कलर टू रेड वी यूज डैश कमांड, सेट पेन कलर फोर, सेट पेन कलर। वी विल टेक द फर्स्ट ऑप्शन बिकॉज 4 इज द कोड यूज फॉर रेड कलर एंड स्पेस विल बी गिवन विद द कोड एंड सेट पेन कलर कमांड। नंबर फोर, डैश कमांड विल सेट द थिकनेस ऑफ द पेन, सेट पेन साइज ब्रैकेट 5 3 ब्रैकेट क्लोज, सेट पेन साइज ब्रैकेट 4 4 ब्रैकेट क्लोज, सेट पेन साइज 2 4 ब्रैकेट क्लोज। द आंसर विल बी सेट पेन साइज ब्रैकेट 4 स्पेस 4 close. Number 5 point, dash sets the color of the drawing area in the specified color, set screen color, set flood color, set screen color, set space screen color. First option is the correct, set screen color with no space. Number 6, dash command fills the blue color in the drawing enclosed figure containing the turtle, said flood color 1, said flood color 1 fill, said flood color fill. The answer is said flood color 1 fill. Coming to the part C, answer in one word. Shape of a turtle, triangle. Bottom of a turtle, tail. Top of a turtle, head. Center of a screen is called as turtle. Coming to the part D, write the short form of the following commands in a logo. Short forms primitive kya hai? Forward ke liye use hota hai FD in capitals. Left turn ke liye use hota hai LT in capitals. Backward, BK in capitals, right turn RT in capitals, clear text CT in capitals, show turtle ST, clear screen CS in capitals, high turtle HT in capitals, pen up PU and pen down PD. Now we are going to do the practical work. Type the following commands in logo and draw the output figure in the given box. These are the boxes. हम ये commands output करेंगे in the input box और जो भी diagram आएगी वो हम इन boxes में draw कर देंगे, ठीक है? Number 1 is FD 40, RT 90, PU FD 30, PD LT 90, BK 40. हम ये कमांड एज इट इज इनपुट बॉक्स में टाइप करेंगे। ये हमारी लोगो विंडो है, इसमें हमने एज इट इज कमांड लिख दिए है और अब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे। दिस विल with the double parallel lines will be the drawing of this command.
we will draw the double parallel lines here. Now the second command is repeat 4 bracket FT 400 RT 90 RT 45 PU FT 60 LT 45 PT. सेकेंड कमांड को सेकेंड प्रैक्टिकल को हम एज इट इज़ इनपुट बॉक्स में लिखेंगे जहाँ हमारा इस टाइम कर्सर है उधर. जब हम ये कमांड लिख लेंगे इनपुट बॉक्स में देन वी विल क्लिक द एग्जीक्यूट बटन. द डायग्राम विल बी शोन हियर. दिस इज अ स्क्वायर डायग्राम लाइक दिस. ओके नाउ वी विल ड्रॉ दिस डायग्राम इन अवर बुक right here. We can also repeat the steps changing the value of FT. अगर हम command में यहाँ FT की value change करेंगे 400 से हम 40 कर लेंगे तो the diagram will decrease. इसको हमने रिपीट करने के लिए 400 है 400 को अरेज करके हम क्या कर देंगे 40 कर देंगे एंड वी विल एग्जीक्यूट दिस. दिस इज़ द डायग्राम. ये हमारे पास एक स्मॉल स्क्वायर आ गया है. नाउ कमिंग टू द प्रैक्टिकल नंबर 3. रिपीट 3 bracket FT 300 RT 120 RT 30 PU FT 50 LT 30 PT. repeat the steps changing the value of FT. जिस तरह हमने FT की वैल्यू चेंज की थी वहाँ इसी तरह हम यहाँ भी FT की वैल्यू चेंज करेंगे तो जो डायग्राम आएगी वो स्मॉलर होगी, मिनिमाइज डायग्राम होगी. नाउ we will write this command in the input box. This is our input box jahan hamara cursor hai. We are writing the command. We have written the third command here. Now we are going to execute it. And this is a triangle drawn here. Coming to the fourth practical, repeat 360 bracket FT1 RT3. Repeat 360 FT1 RT2. 360 angle hai, so it will be a circle diagram. Let's do it. Again, we will write the command in the input box. As we have written the command, now we will execute it. A circular diagram will be drawn. We will repeat it with the RT2. हम सेम कमांड को लेंगे और यहाँ हम चेंज करेंगे RT2. एग्जीक्यूटेड. सेम डायग्राम विल बी ड्रॉन, सर्कुलर डायग्राम.
both the diagrams will be in the clockwise motion. Fourth ही practical का हमारे second command है, जिसमें है FT1 RT1. हम यहाँ टू रेज करके वन टाइप कर देंगे एंड वी विल एग्जीक्यूट इट. तो हमारा क्लॉक वाइज सर्कुलर मोशन में एक और कमांड की डायग्राम आ जाएगी. दिस इज़ हाउ वी विल मेक अ सर्कुलर डायग्राम. दीज आर द प्रैक्टिकल्स ऑफ द यूनिट 3. मोर ऑन विंडोज XP. If you have any questions, feel free to ask. The answers of this chapter is available on a Google Classroom. Thank you. Allah Hafiz.